अरबी समुद्रात धडकणाऱ्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे नाशिक, धुळे, नंदुरबार आदी जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहराला या चक्रीवादळाचा तडाखा बसण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर मालेगाव शहरवासियांनी खबरदारी घ्यावी, विशेषतः झोपडपट्टीमधील रहिवाशांनी सुरक्षित स्थळी राहावे असे आवाहन मालेगाव शहराचे माजी आमदार आसिफ शेख यांनी जनतेला केले आहे. आज मालेगाव शहर की आवाम से खास तौर पर जो हमारे झोपड़पट्टी के अंदर रहने वाली आवाम से, मेरे भाइयों से, मेरे बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूं और मालेगाँव शहर की आवाम से कि आप लोग अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अरबी समुंदर जो मुंबई में है, समुंदर में एक तूफान चला आ रहा है और वो तूफान की रफ्तार मुंबई में 120 घंटे की रफ्तार से वो तूफान चले आ रहा है और ये मुंबई से होता हुआ गुजरात, गुजरात से नासिक और नासिक से होता हुआ मालेगांव शहर से भी गुजरने वाला है. इस तरीके का मैसेज, इस तरीके का पैगाम हुकूमत की जानिब से मुझको मिला है और मालेगांव शहर के सभी प्रशासन को, डिपार्टमेंट को मिला है. आज मुझको कलेक्टर साहब का, एडिशनल कलेक्टर साहब का, प्रांत साहब का, कमिश्नर साहब का पैगाम मिला है कि ये रात में गुजरने वाला है मालेगांव शहर से तूफान, जो उसकी रफ्तार 70-80 घंटे की तेज़ रफ्तार से वो गुजरने वाला है. तो जो हवाएं चलेगी, जो तूफान आएगा, तो उससे हमारे पतरा जो झोपड़ा है, पटरी का मकान है, पतरे का मकान है, वो उड़ सकता है, पतरा उड़ सकता है. तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपके मकान के ऊपर कोई पतरा रखा होगा, कोई सामान रखा होगा, आपका अगर पतरा जो अगर लूज होगा, ढीला होगा, तो आप लोग के पास, हमारे पास वक्त है, आप लोग उसको हिफाजत कर ले, उसको फिट कर ले, अपने मकान की हिफाजत कर ले. और मैं अपील करता हूं कि अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को घर में ही रहना है कुछ वक्त के लिए, जब तक वो तूफान नहीं गुजरता. वह हवाएं के बाद तेज़ बारिश भी हो सकती है, तो इसके लिए आज कॉरपोरेशन ने भी अपना लायमाल तैयार किया है, पूरा इंतजाम किए हैं, महसूल डिपार्टमेंट ने इंतजाम किए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने इंतजाम किए हैं. लेकिन मैं खुद आप से ही अपील कर रहा हूं कि आप लोग भी अपनी हिफाजत करिए और हम लोगों को ये हवामान विभाग का, हुकूमत का एक संदेश हमको मिला है. हो सकता है अल्लाह ताला इसको टाल दे, लेकिन हम लोगों को एहतियाती तौर पर, हम लोगों को एहतियाती तौर पर हम लोगों को इंतजाम करना है, एहतियात बरतना है. मैं अपील करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करके हर गरीब बस्ती तक, हर इंसान तक, हर शहर की आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.